ये आप देख सकते हैं लाइव जिस पे रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं, और ये एस्कलन का एरिया है जो कि हमास के आतंकवादी और इसराइल के बीच में लगातार युद्ध। नमस्कार भाई साहब, मैं इसराइल गया था 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को हम लोग गए थे, 4 तारीख को हमारा प्रोग्राम था, और मतलब 7 तारीख को सुबह, सॉरी, मैं लेके गया था अपना इंडियन आइडल के सिंगर शिरीषा भागवतुल्ला, सारेगामा के सिंगर शरद शर्मा, और एक सिंगर और थे चेतन राणा, तो इन लोग को लेके हम लोग म्यूजिकल शो करने गए थे इसराइल। हाँ जी, 4 तारीख का शो था हमारा वहाँ पे, और 5 और 6 हम लोग वहाँ घूमने वाले थे, तो घूम के हम लोग सब जेरूसलम हम लोग ने सब घूमा, और 7 तारीख को हम लोग निकलने वाले थे दोपहर को 12 बजे। तो हम लोग 10 लोग थे सर, 10 लोग की टीम मैं ही लेके गया था सबको। ओके। जी, तो क्या हुआ फिर जब आप निकलने वाले थे 12 बजे? हम लोग दोपहर को 12 बजे निकलने वाले थे, तो सुबह 6:30 बजे एक जोरदार धमाका की आवाज आई हम लोग को, धमाका हुआ ऐसा ढोम करके बहुत जोर से आवाज आई। हम लोग एक्सलैंड में थे, एक्सलैंड में, एक्सलैंड में, एक्सलॉन, एक्सकेलॉन में, रवीना होटल करके है। जी, सुबह 6:30 बजे जो धमाका हुआ सर, 1 मिनट वापस से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन? एस्केलॉन में थे हम लोग, एस्केलॉन में, रबीना करके होटल है, रेगिना, रेगिना होटल। जी, सुबह धमाके की आवाज़ से हम लोग उठे एकदम 6:30 बजे, तो होटल का सायरन बजने लगा, फिर हमको वहाँ पे जो होटल का स्टाफ था उन लोगों ने बोला आप लोग नीचे जाइए, वहाँ पे हर होटल में एक बेसमेंट में बंकर बने हुए रहते हैं, तो बंकर में जाने को बोला, तो हम लोग जितने भी होटल में थे, फिर हम लोग के 10 लोगों की टीम, हम लोग सब बंकर में गए, बंकर में जाके थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे, और ये बाहर सब आवाज़ें चालू थी, मिसाइल से सब चल रही थी, बम के धमाके सब, तो फिर थोड़ी देर बाद जब आवाज़ कम हुई तो हम लोग आके देखे, फिर देखा तो हम लोग होटल के वहाँ लॉबी में से हम लोग देख रहे थे, तो इतने सारे मतलब मिसाइल से चल रही बाहर दिख रहा था हमको, जैसे यहाँ पर रॉकेट अपन दिवाली में उड़ाते इस टाइप का चल रहा था, बड़ा मतलब दर्दनाक सीन था सर वो। हाँ जी, मतलब फिर हम लोग का वहाँ से निकलना, तो क्योंकि हमको 12 बजे निकलना था, तो निकलना तो मुश्किल लग रहा था हम लोग को, फिर हम लोगों ने जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी बहादुरी से, उनके डेयरिंग से हम लोग वहाँ से निकल पाए, वो सिगाल रेमंड और एक आदमी का नाम ही इसराइल है, इसराइल भाई, तो ये लोग तीनों के डेयरिंग से हम लोग वहाँ से निकल पाए। इन लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन में फ़ोन किया था हमारे लिए, तो उन्होंने बताया पुलिस ने कि कौन से रास्ते से हमको लेके जाएं एयरपोर्ट, तो हम लोग का एयरपोर्ट का भी रास्ता 1 घंटे का था, तो वो लोग की बहादुरी से हम लोग वहाँ से निकल पाए। हाँ, उन लोगों ने मतलब हमारी हेल्प की, हमारे ऑर्गेनाइजर जो थे, हमारे दोस्त लोग। जी, तो वहाँ से जब निकले, हाँ जी, हम लोग 3 गाड़ी में फिर एयरपोर्ट के लिए निकले, रास्ते में जब निकल रहे थे तो भयंकर पुलिस का सब ऐसा लगा था, पूरा जमात लगी थी पुलिस की, और कहीं पे मतलब कार जली भी पड़ी है, कहीं रोड पे बड़े बड़े खड्डे ऐसे, वो सब हम लोगों ने आंखों से देखा है सर। हम लोग सब 10 के 10 लोग ठीक ठाक आ गए, बड़ी मतलब हमारे ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे लिए बहुत लोग प्रे कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब हम लोग वहाँ से निकले, तो फिर हम लोग इस्तांबुल में, हम लोग इस्तांबुल गए पहले, इस्तांबुल में हम लोग का 24 घंटे का हॉल्ट था, 24 घंटा फिर हम लोग इस्तांबुल में थे, इस्तांबुल से फिर हम लोग कल सुबह यहाँ पे पहुँचे।